सुप्रभातम्। कक्षा पंचम, प्रथमः पाठः, विषय संस्कृतम्, प्रकरण मधुर प्रभात वेला। इससे पूर्व के वीडियो में हमने शिष्टाचार के बारे में पढ़ा और शिष्टाचार के अंतर्गत आने वाली उन सब शब्दों को हमने जाना जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो आइए उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए प्रथम पाठ पर आज हम विचार करेंगे, मिलकर के पढ़ेंगे। मधुर प्रभात वेला अर्थात सुबह जो मधुरता लाती है, उस मधुरता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। आहा आनंद, मधुर प्रभात वेला, यह प्रभात सुबह कितना मधुर है। आकाशे सूर्यः उदितः, आकाश में सूर्य उदितः उदित हो रहा है। अंधकारः गतः, अंधकार चला गया अर्थात अंधेरा दूर हो गया। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, सर्वत्र अर्थात हर एक जगह प्रकाशः एव प्रकाशः, प्रकाश ही प्रकाश है। पक्षिणः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षी चिड़िया आकाश में अत्र तत्र यहाँ वहाँ भ्रमन्ति, घूम रहे हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, और सुबह सुबह वृक्षों पर वानराः बंदर कूद रहे हैं। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लोग प्रसन्न हैं खुश हैं। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे बगीचे में घूम रहे हैं। धावन्ति दौड़ रहे हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बालाः अर्थात बहुत सारे बच्चे, अपि माने भी, उद्यानेषु क्रीडन्ति बगीचे में खेल रहे हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशवः पशु जानवर भी प्रसन्न हैं खुश हैं। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वह जंगल में इधर उधर जा रहे हैं। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग अब अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। आहा धन्यः एषा सुखदायिनी प्रभात वेला, ऐसे सुख देने वाली प्रभात वेला का धन्यवाद। इस प्रकार हमारा यह पाठ पूरा होता है। आइए इसके अभ्यास पे नज़र डालते हैं। अभ्यास में है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। नंबर एक, आकाशे उदितः, आकाश में उदित है, तो चित्र में दिखाई दे रहा है क्या उदित है, सूर्यः, तो यहाँ पर आएगा सूर्यः, आकाशे सूर्यः उदितः। ऐसे ही अभ्यास दो में आकाशे उड़यन्ति, आकाश में उड़ रही हैं, क्या उड़ रही हैं, चिड़िया, चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं खगाः, आकाशे खगाः उड़यन्ति, आकाश में खग चिड़िया उड़ रही हैं। नीचे तीसरे वाले में खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बालाः, बहुत सारे बालक बालिकाएं खेल रही हैं। इस पांचवें वाले को, बंदर वाले को लास्ट में करेंगे। आइए पहले दूसरे को देखते हैं। उदाहरणम पठित्वा प्रश्नान उत्तराणि लिखन्तु, उदाहरण को देख करके प्रश्न के उत्तर आम अथवा न, हाँ या ना में उत्तर देना है। किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदिता भवति, क्या सूर्य प्रभात वेला सुबह सुबह उदित होता है, तो आम हाँ सुबह सुबह उदित होता है। दूसरा, किम प्रातः वानरः अपि प्रसन्ना भवन्ति, क्या सुबह सुबह बंदर भी प्रसन्न है, बताइए, हाँ बंदर भी प्रसन्न है। किम बालः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बालक बालिकाएं उद्यान में खेल रहे हैं, बताइए, हाँ, तो इसका आएगा आम, बालक बालिकाएं उद्यान में खेल रहे हैं। चौथा है, किम वानरः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आकाश में घूमता है, तो नहीं बंदर आकाश में नहीं घूमते, पक्षी घूमते हैं, तो इसका आंसर होगा ना।
पांचवा है किम प्रभात वेला सुखदायिनी भवती, क्या प्रभात वेला सुख देने वाली होती है? तो आम, हाँ प्रभात वेला सुख देने वाली होती है। आइए ऊपर वाले बंदर वाले को देखते हैं। वृक्षेषु कूर्दन्ती, वृक्ष पर कूद रहे हैं, कौन कूद रहे हैं? बंदर। बंदर को संस्कृत में क्या कहते हैं? वानराः। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ती। आइए नेक्स्ट अभ्यास पे चलें। चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु सत्यम असत्यम वा, चित्र को देख करके सत्य या असत्य में आपको आंसर करना है। पहला उदाहरण है सूर्यः उदितः अस्ति, सूर्य उदित है, चित्र में देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है कहीं? हाँ दिखाई दे रहा है, तो सत्यम सत्य है। दूसरा है वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, बंदर पेड़ के नीचे है, नहीं यहाँ पर पेड़ के ऊपर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? असत्यम, असत्यम। ख बालकाः धावन्ति, बालक दौड़ रहे हैं, हाँ दो तीन बालक दौड़ रहे हैं, इसका मतलब यह सत्य है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सत्यम। तीसरा है पुष्पाणि सन्ति, पुष्प हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं चित्र में कहीं? दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सत्य आएगा, सत्यम। चौथा है द्वौ कुक्कुरौ स्तः, कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को, तो द्वौ माने दो, दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता है, तो इसका मतलब यह असत्यम, यह असत्यम है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास पे चलें। आपने पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में आपने इस प्रकृति के नज़ारे को देखा था और इनके नाम याद किए थे, आइए अब इस पे अभ्यास करें। उसी चित्र को देख करके यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा चित्र को संस्कृत में क्या कहते हैं। पहला है चांद, चांद को क्या कहते हैं संस्कृत में? सबसे ऊपर ही है तो चंद्रः, चांद को कहते हैं चंद्रः। उसी प्रकार से ख में चिड़िया दिखाई दे रही है उड़ती हुई, तो चिड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं ये अब आपको बताना है, बताइए। चलिए चित्र देख करके बताइए। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, खगाः, तो खगाः यहाँ पर हम लोग लिखेंगे खगाः। तीसरे वाले में है नौका, चलिए नौका ढूंढिए जल्दी से चित्र में। ये देखिए नौका हाईलाइट हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नौका। चौथा ये है फूल है, वैसे गुलाब का फूल है लेकिन इसे संस्कृत में फूल को क्या कहते हैं? तो यह अब आप इस चित्र में ढूंढिए, देखिए नीचे हाईलाइट हो रहा है पुष्पम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुष्पम। ऐसे ही पांचवा है हंस, हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ये देखिए हाईलाइट हो रहा है, तो हंसः, यहाँ पर हम लिखेंगे हंसः। इस प्रकार से हमारा यह पहला अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।